जी, मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, उनका भी जयकारा करना चाहिए। बोले बाबा महाकाल महाराज की। आज की इस सभा में आपके और हमारे सबके लिए एक अलग आनंद है। वास्तव में किसी ने अभी संचालनकर्ता ने सही शब्द उपयोग किया है, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री महंत श्रीमान आदित्य योगी जी महाराज, आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, बधाई देता हूं। आप भी अभिनंदन करें जोरदार तालियां बजा करके कैला धाम के लिए। महाराज जी ने जो काम किया है, चुनाव की बेला में मंच पर विराजमान क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, श्रीमती गुलाब देवी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जसवंत सैनी जी, बलदेव सिंह जी ओलख, चौधरी हरेन सिंह जी जिलाध्यक्ष, परमेश्वर लाल सैनी लोकसभा प्रत्याशी, हेमंत राजपूत जिला प्रभारी, राजेश सिंघल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, ठाकुर राकेश सिंह जी, पंकज गुप्ता जी, आकाश पाल जी, राजेश यादव जी, डॉक्टर अनामिका यादव जी, हरेश यादव जी, फिल्लेश यादव जी और पूरा मंच एक बार मंच के लिए अभिनंदन कर दे। पूरे भरे पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते हुए संभल की इस लोकसभा में हमारे प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी जी के लिए माननीय महाराज जी और मैं आया हूं, और ये उनके लिए नहीं, आज के इस बदलते दौर में आप सबका उत्साह बता रहा है कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। बोले भारत माता की। उत्साह और उमंग से भरा हुआ क्षेत्र आपकी इस जनमेदनी के आगे ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लहरें चल रही है, लहरें, और आनंद में डूब गया हमारा पूरा क्षेत्र। और जिस प्रकार से हुंकार भरना चाहिए, मैं अभी माँ केला देवी के आश्रम से लौट के आया हूँ मंदिर से, और मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि आज महाराज जी ने और भाजपा वालों ने बुला करके सच मानो मुझ पे एहसान किया, मेरी माताजी से मुझे मिला दिया। आप सबको प्रणाम करके वो आनंद में आ गया। और जब मां केला देवी का आशीर्वाद मिला है और यहां जानकारी मिली है कि मंदिर तो पुराना था, बाकी व्यवस्था भी थी, लेकिन महाराज जी के माध्यम से ये जो क्षेत्र चैतन्य हुआ है, ये वाकई में अद्भुत क्षेत्र बना है। आप मान के चलना, निश्चित रूप से हमारा ये पूरा संभल लोकसभा तो हम जीतेंगे ही, बल्कि आने वाले 3 चुनाव आगे तक उत्तर प्रदेश में ऐसा ही झंडा फहराते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महाराज जी का। और आज के इस चुनाव की बेला में, चूंकि मैं लोकसभा चुनाव है और चुनाव के कारण से आता हूं, और मेरी भी जवाबदारी बनती है, जिस जगह से मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से हम सबका सौभाग्य है, लोकतंत्र के इस वर्तमान के समय में आज पूरे देश के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और खास करके मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, आप तो इतनी बड़ी संख्या में हैं और आपकी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी जिस प्रकार का माहौल बना है, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आज इस पूरे वर्तमान के युग में हमारे अपने मध्य प्रदेश में, जहां से मैं आता हूं, मेरे पूर्वज तो आजमगढ़ से ही गए थे, इसलिए अपनी धरती पर आने का सुख भी महसूस करता हूं कि अपने लोगों से मिलकर आनंद करूं। लेकिन ये भी धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जिनके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन में, जहां से मैं लड़ता हूं, वहां तो हमारी 500 की आबादी भी नहीं है, लेकिन एक यादव बंधु को उठा करके शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री का गौरव देने का ये भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। यह आपके माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज वर्तमान के युग में
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बात करने के लिए इस बात का ज्यादा वजन मिलता है कि हम जो कहते हैं, माननीय मोदी जी जो कहते हैं, माननीय योगी जी जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास, ये खाली बोलने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए। अभी चुनाव हुए थोड़े दिन पहले विधानसभा के, वो तीन राज्य हम जीते, तीनों में से एक छत्तीसगढ़, हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए श्रीमान विष्णुदेव साय जी, ओबीसी वर्ग से मुझे मौका मिला, और उसके बाद हमारे राजस्थान में श्रीमान भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। लेकिन उल्टे कांग्रेस और समाजवादी, ये बोलते तो सब रहते हैं लेकिन कभी किसी को मौका मिला तो किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती है कि उनके घर के अलावा भी किसी को मौका मिल जाए। वो केवल घर में ही समेट कर रखना चाहते हैं। कोई सा भी पद हो, कोई भी सत्ता की व्यवस्था हो, केवल एक परिवार के बाहर नहीं जाने देना। अब सच्चे अर्थों में बताओ, ये क्या सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? ये केवल वोट के लिए सारी चीज का उपयोग करेंगे लेकिन वोट के बाद केवल एक परिवार का भरोसा करेंगे। मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ, मैंने जब सुना कि हमारे में से, मैं एक बार पहले मैनपुरी में यहाँ फार्म भरवाने के लिए आया था तो यहाँ से किसी बड़े नेता ने टिप्पणी करी, कौन मोहन यादव हम नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, आप कैसे जानोगे साहब, आप तो एक ही परिवार को जानते, बाकी से क्या लेने देना है, आपकी इतनी छोटी दृष्टि है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देती है कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी पद तक पहुंचाने का अगर हिम्मत है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में है, श्रीमान हमारे योगी जी में है, जिसके कारण से ये जनसंख्या सैलाब अपनी बात करता है। और इसके साथ साथ केवल एक समाज परिवार इसकी बात नहीं, देश के लिए क्या जरूरी है, देश के लिए क्या आवश्यक है। मुझे खुशी इस बात की कि पहला वोट अगर देश के अंदर माननीय मोदी जी को दिया है तो मोदी जी के माध्यम से देश के अंदर होने वाली सभी आतंकवादी घटनाएं एक के बाद एक अगर उन पे लगाम लगी, अन्यथा आप देखो पाकिस्तान की सीमा पर हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, हमारे अपने सेना मूक दर्शक बैठी रहती थी, कांग्रेस के लोग कहते हम क्या करें, ये तो पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हम क्या करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 56 इंच वाले ने जब से सरकार संभाली घर में घुस के मार के ठिकाने लगाने का काम किया है, इनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तब से लगा के आज तक आतंकवादी घटनाएं बंद हुई। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे माननीय योगी जी बने जब से मुख्यमंत्री, इस उत्तर प्रदेश में भी अच्छे अच्छे को ठिकाने लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे अपने योगी जी ने किया। इतना बड़ा समाज, वो चंद मुंडे अपनी मनमर्जी के कर ले, ऐसा कैसे हो सकता है। हम सब शपथ लेते हैं संविधान की, कानून और व्यवस्था की, तो कानून और व्यवस्था केवल शब्दों के लिए नहीं होते, इनको चरितार्थ करके दिखाना पड़ता है। ये इसमें पुरुषार्थ लगता है, पराक्रम लगता है, मन की सोच लगती है और मन की निष्कलंकता लगती है। मुझे इस बात की खुशी है, हम केवल बजरंगबली की जय नहीं बोलते हैं, बजरंगबली के सच्चे भक्त होने के नाते से बाबा जी और हम लोग ऐसे गुंडों को ठीक करके लगाते हैं ताकि अपना ये राम राज्य की सच्चे अर्थों में स्थापना हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बार का वोट हमने देश की सुरक्षा के लिए माननीय मोदी जी को दिया है, दूसरे बार का वोट, इस देश में कोविड का खराब समय आया था और खराब समय में आप और हमारी सबकी जान बची तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है, उस समय माननीय मोदी जी ने सबको टीके लगा करके, हमने राम जी का काल याद करो, जब संजीवनी बूटी लाए थे हनुमान जी, अब हम तो वो केवल पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप में से सब बैठे हैं, आप किसी की जान बचिए, आप अपने हाथ की बाएं उठा करके देख लेना, इसमें दो छेद मिलेंगे, दो टीके सबको लगे होंगे और हर टीके से आवाज आ रही है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबकी जान अगर बची है तो कोविड के कारण से बची है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश का शासक वो जो समाज की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, देशवासियों के प्राण बचाए। कोविड का खराब समय, जब जलाने के लिए शमशान में जगह नहीं मिली, लकड़ियां नहीं मिल रही थी,
हॉस्पिटल में घरवाले साथ देने को तैयार नहीं, मौत के बाद लाश आ जाए तो कोई उठाने वाला नहीं, लेकिन ऐसे समय में भी सबसे पहले जिनने देश की सुरक्षा की व्यवस्था संभाली, स्वास्थ्य की संभाली, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमको लगा कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। कोविड के कठिन काल के बाद हम सब जानते हैं अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे तो किसके कारण मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम। और अयोध्या के बाद बाबा महाकाल का महालोक भी मुस्कुराया, वो तो हमारे मध्य प्रदेश का ही है, मैं वहां का विधायक था। वहां बरसों से इस बात की कांग्रेस के टाइम बात करते कि महाकाल बना दो, महाकाल का महालोक बना दो, कोई बनाने वाला नहीं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे ही माननीय मोदी जी की सरकार बनी, स्मार्ट सिटी का पैसा आया 800 करोड़, और आज बाबा महाकाल का महालोक बन गया। बाबा जी के कारण से ये केला धाम का आनंद आ गया, जोरदार ताली बजाओ, मुझे तो देख के आनंद आ गया। अरे सच्चे यदुवंशी वो जो धर्म का काम करे, मैं तो बाबा जी को बधाई देना चाहूंगा, सच्चे अर्थ में बाबा जी ने हमारे सभी धर्म स्थल की चिंता की, जोरदार अभिनंदन करो। केला देवी हमारे अपने वंश की माता जी, और उसकी चिंता बाबा जी कर रहे हैं, ये सबके साथ सबका विकास है। और अभी तो हम आगे बढ़े, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, बाबा विश्वनाथ का आनंद बाबा जी ने कराया, अभी हमारे जमुना जी वाले बुला रहे हैं, बुला रहे कि नहीं बुला रहे हैं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इनके मुंह से एक बार भी नहीं निकलेगा कि हाँ हम मथुरा में भगवान कृष्ण को मुस्कुरा देंगे। अरे गठबंधन भी कर रहे हैं तो भूल गए 5000 साल पुराना इतिहास। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण किसी से डरे क्या? अरे कौरवों की ताकत कितनी भी होगी, लेकिन उनके घर में घुस करके दुर्योधन को औकात बता के भगवान कृष्ण आए, वो अपने गोपाल कृष्ण के लिए हम सब आनंदित होते हैं। दुनिया की ताकत कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमारा मार्ग तो धर्म मार्ग होना चाहिए। कोई अधर्म वाले से हम कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? अभी बड़े भाई छोटे भाई का हम नाटक देख रहे हैं केवल कुर्सी के कारण से, ये कभी कोई सच्चा यदुवंशी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है। और आपकी बार का 2000 अपना ये 24 का वोट, ये गोपाल कृष्ण के धाम को मुस्कुराने के लिए मिलना चाहिए। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हम और आप संकल्प करें, यहां हम अपने एक एक सांसद को जिता के पहुंचाएंगे। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, दुनिया का नंबर वन का देश बनाने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, पूरा देश भाजपामय हो चुका है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में देश को नंबर वन का देश बनाने के लिए लगा है। आप और हम सब संकल्प करें, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पर, और एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो तैयार है? इधर भी तैयार है तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, जय जय सियाराम। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। मैं आभार व्यक्त करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का, कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी वो आज की जनसभा में आए और हम सबको संबोधित किया। अब मैं